जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेसांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर अहीरों की गाथा फिर नम कर जाएगी, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी, वीर अहीरों की वो गाथा आगे नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदि कुल के वीर सहित जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन की ओर से रांची के मोराबादी मैदान में वृक्षारोपण कर युवाओं को प्रेरित किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं की दिलचस्पी वृक्षारोपण की ओर दिखाई दे रही है और साथ ही पर्यावरण को लेकर वह खासे चिंतित दिखाई दिए। आज देश भर में जिस तरह से प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उस पर नियंत्रण पाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाना बेहद ही जरूरी है, मगर इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों को आगे आना होगा। वहीं इस बात में दो राय नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को सफल बनाने में युवाओं की बेहद ही भूमिका दिखाई देती है। ऐसे में राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में ये भूमिका स्पष्ट रूप से युवाओं की दिखाई दी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ता हुआ उनका प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के एक पार्क में जिस तरह से पेड़ों को काटा गया और उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने और संस्था ने भी किसी तरह की कोई कवायद नहीं की, उसके इतर अब मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन की ओर से युवाओं को साथ लेकर पर्यावरण संरक्षण के मुहिम में लोगों को आगे लेकर आया गया है। मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन ने राजधानी रांची के इस पार्क में लगभग 500 की संख्या में पेड़ लगाए हैं और वहीं वृक्षारोपण करके उन्होंने समाज को नया संदेश दिया है। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग कई वर्षों से चलाते रहे हैं, वो चाहे मोराबादी मैदान के अगल बगल हो, चाहे पार्क के अंदर की बात हो, चाहे और दूसरे जगहों पर भी, हम लोग हर जगह हर साल सैकड़ों पेड़ हम लोग लगाते हैं और हम लोगों का वृक्ष लगाने का यहाँ एक टीम भी है मोराबादी मैदान में जो मॉर्निंग वॉकर लोग हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, उसके बाद वृक्ष भी लगाते हैं और वृक्ष बचाते भी हैं। हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, वो चाहे यहाँ वॉकर मॉर्निंग वॉकर लोग हों चाहे और दूसरे जगह भी हों, सभी लोग वृक्ष लगाएँ, वृक्ष बचाएँ और वृक्ष का सुरक्षा भी करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये संकल्प वाटिका ग्रुप, हम 15 तारीख को जैसे झारखंड स्थापना दिवस है और ये चिल्ड्रन पार्क में काफ़ी कुछ पेड़ कट गए थे और संकल्प वाटिका ग्रुप ने टोटल 50 पेड़ लगाए हैं, जिसमें 35 सखुआ के और कुछ महुआ के और बाकी सब इमली के पेड़ लगाए हैं। इस पेड़ लगाने के पीछे हमारा यही मकसद था कि प्रशासन का भी ध्यान इस तरफ डालें कि यहाँ पे काफ़ी कुछ पेड़ काट दिए गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे अभी राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है मैडम का, तो उनके आगमन में और स्थापना दिवस के अवसर पर संपल पार्टी ने आज ये पेड़ लगाया है। देखिए निगाहें सब पर है, ऐसा कहीं पेड़ नहीं कटा है, नहीं काटना भी नहीं चाहिए,
पेड़ कहीं नहीं कटा है, यहाँ बताया गया कि कटा है, उसके एवज में आज हम लोग 1000 पेड़ यहाँ लगा रहे हैं। एक पेड़ लगा में कटा होगा तो हम लोग 1000 पेड़ सखुआ का, कल्पतरु का, महुआ का, हम लोग महोगनी का सारा पेड़ यहाँ लगा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की बेहद ही अहम भूमिका होती है। युवा पीढ़ी अगर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर अगर चिंतित होती है तो निश्चित रूप से ये सुखद संकेत है। अगर पर्यावरण के प्रति युवाओं के बीच लगाव रहेगा तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी दिलचस्पी भी जगेगी और हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। पर्यावरण का तात्पर्य यही है कि हमारे आसपास में जितने पेड़ हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। जस्ट आप एक मिनट सोच के देखिए, यदि हमें एक मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो शायद मेरा जीवन संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रत्यक्ष संबंध है। इसीलिए सभी युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप पर्यावरण के प्रति सचेत होकर उनसे प्रेम को खुद में बढ़ाकर एक पौधा जरूर लगाएं। उद्देश्य यही है कि हम लोग जो वृक्ष लगा रहे हैं इससे हम लोग का पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इससे हमारे पर्यावरण में जो अभी प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके कारण हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और पेड़ काटने के एक पेड़ अगर हम काटते हैं तो उसके जगह हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। इससे हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और हम खुली जगह में अच्छे से सांस ले सकते हैं, शुद्ध वायु हमें मिलेगी, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। राजधानी रांची के चिल्ड्रेन पार्क में जिस तरह से मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के लोगों ने पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दिखाया है और उन्होंने वृक्षारोपण करके यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर पर्यावरण के प्रति सच्चा हमारा प्रेम है तो हमें एक पेड़ तो जरूर ही लगाना चाहिए, तभी हमारा जीवन और ये पर्यावरण बच पाएगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर पर्यावरण को हम क्यों नुकसान कर रहे हैं, विकास के नाम पर हम किस तरह का विकास की परिकल्पना कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति वो उनका लगाव जरूरी रहे और आने वाले दिनों में यह लगाव और भी बढ़े। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।